अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहती कल बड़ी रात थी और क्या हो रहा था। फ्रेंड्स, वो बड़ी रात किसी के घर की काली रात थी। मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, हर वीडियो में मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि घर में रहो और घर से बाहर मत जाओ, मुश्किल नहीं पैदा करो पुलिस या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए। कल ऐसा हुआ है कि 3 तारीख को एक पेशेंट बांद्रा बाबा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा था और उस ब्रेथलेसनेस की वजह से उसको एडमिट किया। तो हर एक बंदा जो एडमिट होएगा उसका कोविड का रिपोर्ट लाना ज़रूरी है एज़ पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं थी और वो कल सुबह गुजर गया। अब जब वो गुजर गया तो वहाँ से तो रिपोर्ट के AEM से और कस्तूरबा से आई नहीं उसकी रिपोर्ट। और डॉक्टरों के हिसाब से या घर वालों के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं थी तो करते क्या। बहुत सारी कोशिश कर रही थी पूरी फैमिली, और मुझे पता चला मगरिब की नमाज़ के बाद कि ये बॉडी को दफनाना है। दफनाने के लिए बहुत सारे जगह अपील कर रहे थे, गोलीबार कब्रिस्तान, सांता क्रूज का कब्रिस्तान, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसे है जैसे कि ये उनके बाप का कब्रिस्तान है। I don't understand how people can be so mean and so rude. एक सोचते भी नहीं है कि हाँ चलो हम इधर से कोशिश कर लेते, उधर कोशिश करते। सीधा कोरोना वायरस पेशेंट है, हमको नहीं चाहिए। फिर जब भी कोई जलता है, जलाता है, तो आप लोग हुहा क्यों मचाते। ये मेरे सब ये तो बस कल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। 1 बजे तक डिसाइड कर रहे थे, वो 7 पैनल पे जो कब्रिस्तान थे उसमें से कहीं एक दफनाने के लिए। फिर दफनाया गया वो पेशेंट को कुरला ईस्ट में, एल वार्ड में। खैर वो तो हो गया, लेकिन इतनी डिस्टर्ब्ड हुई मैं उस एक इशू के ऊपर, और मेरी सारी पढ़ाई 8 से 12 बजे तक बाजू में रह गई। 1 बजे मैंने अपनी सारी पढ़ाई करना स्टार्ट की। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप लोग के पास ऐसा एटीट्यूड कैसे रह सकता है। आप एक तरफ़े मजहबी की बड़ी बड़े लेक्चर देते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब अपने ही अपना टाइम आता है हेल्प करने का तो आपका एक रवैया बदल जाता है। अरे वो कब्रिस्तान लोग के लिए तो मेरे को या वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, आपा ये मत, आप मत करो ये नहीं, ट्रस्टीज़ को ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा है, आपको यहाँ कर दो, हम लोग यहाँ पूछते हैं, बड़े नारियलवाड़ी में हमारी ओटा है वहाँ करा लो। What they were trying to tell me. It was very disturbing. इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ, बार बार मैं गोलीबार का ट्वीट कर रही हूँ। आप गोलीबार में देखो कितनी पब्लिक बाहर निकली हुई है। क्या वो पुलिस हैंडल कर पाएगी, क्या वो गवर्नमेंट हैंडल कर पाएगी। फिर पूछोगे कि करोड़ रुपए का फंड आया कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तुम्हारे खाने पिलाने और ये सब सुविधाओं में ही चला जा रहा है। अभी तक तो कुछ केस इतने ज़्यादा हुए ही नहीं है और ये हाल है। एंड में क्या होएगा, जगह नहीं रहेगी दफनाने के लिए तो क्या होएगा। क्या चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को चाहिए कि लोग ऐसे क्रेन में उठा के एक गड्ढे में आपको डाल देवे। इज दैट व्हाट पीपल वांट, कि जहां चार पड़ने वाला नहीं रहे। इस कंट्री में आपसे तो एटलीस्ट पूछा जा रहा है कि अपनी बॉडी लेके जाओ, जहां दफनाना है दफना दो, इतनी डेमोक्रेटिक राइट है। और लोगों को कितनी चर्बी है हेल्प करने के लिए। सॉरी मेरी लैंग्वेज खराब है, लेकिन कल मैं बहुत डिस्टर्ब थी। और ये बात के का गवाह तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, मैंने किस किस को फ़ोन करी और कौन कौन मुझे दिलासा दे रहा था और मदद कर रहा था आने की। लेकिन कब्रिस्तान वाले जगह पे से हिलते नहीं थे। एक बांद्रा का कोकनी कब्रिस्तान था जहाँ से वो अपील कर रहे थे कि हाँ यहाँ लेके आ जाओ, लेकिन वहाँ पर आई डोंट नो BMC नहीं देना चाह रही थी। मुझे बाद में पता चला था कि BMC इज़ नॉट अलाउिंग ओवर देयर। उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 10 फीट में जाना है। 10 फीट खोदने के बाद बॉडी डिसइंफेक्टिंग करके देते हैं, डिसइंफेक्टिंग करके वो कोविड पेशेंट को जो प्लास्टिक में डालते हैं वो अंदर डिसइंफेक्टिंग रहता है। अरे क्या हो गया है लोगों की सोच को, ये छुआछूत से भी बुरी बीमारी आपको लग रही है। और पता नहीं मालवनी में जब वो इंसिडेंट हुआ था तो लोग इतना चिल्ला रहे थे, ये अब सब कहाँ सो गए थे। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग यस्टरडे। यू कान बी डूइंग दिस टू पीपल। ये तो आप और मैं भी हो सकते हैं। आप जो भाजी ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, हम लोग खाना बांट रहे हैं, आप लोग बाजार खरीद रहे हैं, आपको भी हो सकता है ये। तो तैयार रहेगा हर वो इंसान जिसने इतनी बड़ी रात में
इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया और अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश किया, बेशक अपने आप को सेफ गार्ड करो, अरे लेकिन वो ज़मीन में जाने के जाना है उसको और वो सब सुविधाओं के साथ, एटलीस्ट आप हाँ तो बोलते, वो नहीं बोलती बीएमसी वो बात अलग है, आप तो आपकी एक एक रिकॉर्डिंग में करती तो पता नहीं लोग आपके बारे में क्या सोचते, इतने बड़े बड़े लोग के बारे में। वो एक सेंटाक्रूज मस्जिद का जो केयरटेकर है उसका बेटा असद उसका नाम, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, वो मुझे सिखा रहा है, आप लिख लो नोट डाउन कर लो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। कैन यू इमेजिन, इज गॉट द चीक एंड ऑडेसिटी टू सिट ऑन देयर एंड टॉक, ही सेल मी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोकॉल, कम हियर एंड टॉक इन द ऑफिस, नो मैनर्स, दिस इज द एटीट्यूड फ्रेंड्स। ये जो ट्रस्टीज मस्जिद मंदिर दरगाह कब्रिस्तान लेके बैठे, ऐसा मुझे लगता है कि ये सब अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के बैठे। आज ना ये चंदा देने को आगे आते हैं ना दूसरी सुविधा में हेल्प करने के लिए आगे आते। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक सम गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंश्योर दैट देयर इज हेल्प प्रोवाइडेड टू द पीपल, कम फॉरवर्ड। एक ही रिक्वेस्ट मेरी बार बार है, घर में रहो तो आप सेफ रहेंगे, प्लीज़ गवर्नमेंट की मदद कर दो, वरना उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, ऐसे एक क्रेन उठा उठा के दफनाएंगे अगर एक कंडीशन खराब हो गई कंट्री में। सॉरी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।